भी सबे कश्मीरी कठमुल्लों की कहां मर गए थे कल जी, क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था, तीन तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो, क्यों सड़कों पे कब्जा करते हो आकर? भाई 23-23 साल की लौंडियां जम्मू में बुरका पहन के घूमती हैं और वहां पे जैक ने उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और अभी पैदा ही नहीं हुई 20-21-22 वर्ष की आजू में पाकिस्तान का गुणगान कर रही है। वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सबे कश्मीरी कठमुल्लों की, कहां मर गए थे कल ये, क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनको एक एक को पकड़ के इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। इनकी वो दुर्दशा करें कि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नारेबाजी करनी या दूसरे काफिर मुल्क के पक्ष में हुल्लड़बाजी करने का नतीजा क्या होता है। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने इनकी इस हरकत को बहुत गंभीरता से लिया है। ये जो काफिर नासूर कश्मीर के अंदर मैं खास करके कहूंगा, जिन्होंने उस दिन जो हरकत की है वो मैं देख रहा था, 22-23 साल की लौंडियां जम्मू में बुरका पहन के घूमती हैं और वहां पे जैक ने उछाल उछाल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इनको एहसास होना चाहिए और इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी एहसास हो कि हमने किन कुफरों को पैदा किया, हमने कैसी काफर औलादे पैदा की कि जो हिंदुस्तान का खाती है और अभी पैदा ही नहीं हुई 20-21-22 वर्ष की आजू में पाकिस्तान का गुणगान कर रही है, रगों में पाकिस्तान के प्रति स्नेह पाला हुआ है। मुझे लगता है कि एजेंसीज बहुत मुस्तैद हैं, इसको कैजुअली नहीं लिया जा रहा है। यकीनन हमने शुरू से डिमांड की है कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो खाल। वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सबे कश्मीरी कठमुल्लों की, कहां मर गए थे कल ये, क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था, तीन तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो, क्यों सड़कों पे कब्जा करते हो आकर?